Hello everyone, we will discuss about the tries in this lecture. And the try is used for construction of a dictionary. Try को हम लोग बहुत सारे problems के लिए use कर सकते हैं. For example, कि हमें एक address book create करनी है. Let's say ये जो address book है आपके mobile की address book है, तो इस address book को create करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक dictionary के form में names को store कर सकते हैं. और इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी अपने दोस्त का नाम सर्च करना है. लेट्स से दोस्त का नाम है प्रतीक. सो दिस इज द नेम ऑफ द योर फ्रेंड. इवन इफ यू टाइप पी आर देन ऑल द सजेशंस ऑफ द नेम्स कमिंग और स्टार्टिंग विद द पी आर विल बी विजिबल. सो ट्राई को हम इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं कि हमें नेम्स के सजेशन दे दें, या फिर हम एफिशिएंटली किसी एक नेम को सर्च करना चाहते हैं किसी एक डिक्शनरी में तो हमें मिल जाएगा, या फिर हम एक प्रॉपर डिक्शनरी अगर क्रिएट करना चाहते हैं. प्रॉपर डिक्शनरी का मीनिंग ये है कि अगर हम एक वर्ड्स की डिक्शनरी बनाना चाहते हैं और वर्ड्स की डिक्शनरी बनाने के बाद उसके मीनिंग्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, वर्ड्स को सर्च करने के लिए इफेक्टिवली अगर आप सर्च करना चाहते हैं डिक्शनरी में, तो क्योंकि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे, उन सभी वर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं आप ट्राइज के थ्रू. जो ट्राई है हम उसको आप लोगों ने एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम होगा थियोरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस. तो ट्राइज में किसी भी वर्ड्स को स्टोर करने के लिए एंड देन उसको प्रॉपरली सर्च करने के लिए हम ट्राइज को कंसिडर कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एक डीएफए है. और डीएफए में हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करने से स्टेट चेंज होंगे, और फाइनली अगर हम फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा वर्ड है या जो स्ट्रिंग है वो सर्च होके हमें मिल गई है. तो इफ यू रीच टू द फाइनल स्टेट इट मीन द सर्च इज गॉट सक्सेसफुल. सो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आइए ट्राइज को डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स से कि हमें एक ट्राई क्रिएट करनी है फॉर इन्वर्शन ऑफ द वर्ड्स. लेट्स से एप्पल इज द वर्ड एंड लेट्स से बॉल इज द वर्ड एंड लेट्स से कैट इज अ वर्ड एंड लेट्स से डॉग इज अ वर्ड एंड लेट्स से exit is a word. Okay, so these are the five words that has to be inserted in the try. So try को create करने के लिए हम सबसे पहले एक node create करते हैं, और जितने भी nodes create होंगे tries में उन सभी nodes का structure same होगा. तो हम एक ऐसा node create करते हैं जिसमें 26 different pointers होंगे. 26 different pointers होंगे. Start में हम लोग slow चलेंगे, समझेंगे कि इन 26 pointers का क्या महत्व है. उसके बाद हम थोड़ा सा speed लेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So we are marking these pointer numbers. ये जो पॉइंटर नंबर्स होंगे वो कुछ सिग्निफाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये जो जीरो वाला पॉइंटर है वो ए को सिग्निफाई करेगा, ये बी को सिग्निफाई करेगा, टू वाला सी को, थ्री वाला डी को, फोर वाला ई को, ये एफ को, ये जी को, ये एच को, ये आई को, जे को, ए को, एल को, एम को, एन को, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. अभी हम मान रहे हैं कि हमारे पास केवल लोअर केस लेटर्स हैं. सो ये जितने भी पॉइंटर्स हैं वो इनिशियली नल हैं. तो इसको हम नल डिक्लेयर कर लेते हैं इन पॉइंटर्स को. नल 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 नल. और ये जो हमने नोड क्रिएट किया है वो हमारा रूट नोड है. हर एक नोड में एक एडिशनल फील्ड भी होगी जो कि फाइनल स्टेट को बताएगा. लेट्स से हमने एक एडिशनल फील्ड या जो लास्ट वाली फील्ड है उसको हमने एफ फील्ड ले लिया है, और अगर ये एफ फील्ड जीरो है तो इसका मतलब है कि ये नॉन फाइनल स्टेट है, और अगर ये वन है तो इसका मतलब है कि ये फाइनल स्टेट है. तो आइए इसमें हम वर्ड्स का इन्वर्शन करते हैं, और सबसे पहले एप्पल का इन्वर्शन करते हैं. तो लेट्स से ये मेरा रूट नोड है, और रूट नोड से एप्पल के लिए जो हमें लेटर्स मिल रहे हैं, लेट मी राइट द एप्पल अगेन हियर. सबसे पहला लेटर है ए, तो हम फॉलो करेंगे जीरो इंडेक्स वाले पॉइंटर को, क्योंकि जीरो इंडेक्स वाला जो पॉइंटर है वो वन को डिनोट करता है, जीरो को डिनोट करता है. तो हम जीरो इंडेक्स वाले पॉइंटर को फॉलो करेंगे और एक नया
नोड क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो नया नोड हमारा है वो ए के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है फाइन। इसके बाद पी हमारा करेक्टर, तो आप देख सकते हैं कि जो पी है वो 15 नंबर का पॉइंटर है, तो 15 नंबर पॉइंटर इस नोड में। इस नोड का भी स्ट्रक्चर सेम है, जो हमने रूट नोड बनाया था उसका भी स्ट्रक्चर सेम है इस नोड का भी। सो ये जो दूसरा नोड है वो पी के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, और नेक्स्ट करेक्टर हमारा पी है, तो 15 नंबर को हम फिर से फॉलो करेंगे, नया नोड बना लेंगे, एंड दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एल। ओके सो अब नए नोड में हमें एल को फॉलो करना है। एल को फॉलो करना है, तो आप देख सकते हैं कि जो एल की नंबरिंग है वो 11 है, तो 11 नंबर सेल से, 11 नंबर पॉइंटर से एक नया नोड क्रिएट होगा। ओके सो दिस इज द न्यू नोड, और देन इसके बाद लास्ट में हमारे पास ई है, तो ई को आप देख सकते हैं कि 4 नंबर है, तो 4 नंबर पॉइंटर फॉलो करेगा एक और नोड को, एक नया नोड बन रहा है 4 नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये ई के कॉरस्पॉन्डिंग है। सो जस्ट हमें एक शॉर्टकट में अगर लिखें कि कौन सा और किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये पी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये पी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये एल और ये ई के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। नाउ हर एक नोड में एक लास्ट फील्ड होगी जिसको हम फाइनल फील्ड करें। अगर हम वैलिड वर्ड पे नहीं पहुंचे हैं तो ये फील्ड जीरो होगी, ये जो एफ फील्ड है वो जीरो होगी, ये एफ फील्ड में जीरो डेटा होगा। लेकिन चूंकि हम लास्ट में एप्पल पे पहुंच जा रहे हैं, तो ये वाली नोड में लास्ट नोड में वन होगा, इस फील्ड में एफ फील्ड में वन होगा। ओके मान लीजिए अगर हमें बॉल के लिए क्रिएट करना है, तो बॉल के लिए भी इसी तरह से क्रिएट होगा, एक पॉइंटर हम बी वाले को फॉलो करेंगे, तो बी वाले को हम फॉलो करने जा रहे हैं और एक नया नोड बना रहे हैं बी के कोरस्पॉन्डिंग, एंड देन इसके बाद ए को फॉलो करना है हमें इसमें, तो ए का इंडेक्स जीरो है, तो एक नया नोड बनेगा ए के कोरस्पॉन्डिंग, एंड देन एल मतलब कि 11 नंबर को हमें फॉलो करना है, सो बी एंड देन ए एंड देन ये एल मतलब 11 नंबर को फॉलो करके एक नया नोड हम बनाएंगे। और चूंकि ये अगेन बी ये डबल एल है, तो ये दूसरे वाले एल के लिए हम अगेन एक नया नोड बनाएंगे, और ये जो नोड हमारा होगा वो फाइनल नोड होगा, इसलिए इसके एफ फील्ड में जो होगा वन होगा, बाकी सभी के एफ फील्ड में जीरो होगा। ओके सो कौन किसको फॉलो कर रहा है, ये बी है, ये ए है, ये एल है, और ये एल को फॉलो कर रहा है, और इस नोड के जो लास्ट वाला नोड है उसके एफ फील्ड में वन है, मतलब कि ये वैलिड वर्ड को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम सी सी ए टी कैट के लिए जाते हैं, तो अगेन सी से स्टार्ट करके एक नया नोड बनाएंगे, और ये जो नोड हमारा बनेगा वो सी को डिनोट करता है। सी के बाद ए है, इसका मतलब कि जीरो इंडेक्स से एक और नोड निकलेगा, क्योंकि तो ए को रिप्रेजेंट करता है जीरो इंडेक्स वाला, एंड देन सी हो गया, ए हो गया, एंड देन टी है, आप देख सकते हैं कि जो टी है वो 19 नंबर है, सो 19 नंबर को फॉलो करते हुए हम एक नया नोड बनाएंगे, और ये जो नोड हमारा है ये फाइनल नोड होगा, और इसके फाइनल फील्ड में वन होगा, बाकी सभी नोड्स के फाइनल फील्ड में जीरो होंगे। इस तरह से हम डॉग के लिए बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो डी वाला है वो फॉलो करेगा और एक नया नोड बनेगा, तो ये डी को डिनोट करता है। जो ओ वाला है वो 14 नंबर है, तो 14 नंबर को फॉलो करके आप एक नया नोड बना सकते हैं, एंड देन जी जो है दैट इज 6 नंबर, तो इससे आप 6 नंबर को फॉलो करते हुए एक नया नोड बना सकते हैं, एंड दिस विल बी द फाइनल नोड। तो आई होप आप इसको समझ गए हैं कि हम किस तरह से नोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओके सो दिस इज हाउ यू आर कंस्ट्रक्टिंग द नोड। सिमिलरली एग्जिट के लिए भी आप बना सकते हैं, अगेन वो एग्जिट के लिए भी बना देते हैं, तो एग्जिट के लिए अगर आप बनाना है तो ई वाले को फॉलो करेंगे आप और एक नया नोड बनाएंगे रूट नोड से ई के लिए, ई हो गया, एंड देन एक्स जो है वो 23 नंबर है, तो 23 नंबर को फॉलो करते हुए एक नया नोड, आई जो है वो 8 नंबर है, सो 8 नंबर को फॉलो करते हुए एक नया नोड, पी जो है वो है 19 नंबर, सो 19 नंबर को फॉलो करते हुए एक नया नोड, और ये जो नोड हमारा होगा यही फाइनल नोड होगा, सो ये फाइनल फील्ड में वन, बाकी सभी के फाइनल फील्ड में जीरो। तो दिस इज हाउ दी नोड्स आर क्रिएटेड।
आफ्टर क्रिएटिंग द नोड, आपको मान लीजिए अगर सर्च करना है किसी वर्ड के लिए, तो वंस अगेन आप इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सर्च करना है, आप कैट के लिए सर्च करना है, सो अगर आपको कैट के लिए सर्च करना है, सो आप रूट नोड से सी मतलब कि टू इंडेक्स को फॉलो करेंगे। टू इंडेक्स को फॉलो करते हुए आप आ जाएंगे जैसे इस नोड पे, देन ए आपको सॉरी कैट नहीं, और मान लीजिए कि कैट मतलब इस वाले नोड करेंगे आप कैट के लिए। ओके अब इसके बाद ए को फॉलो करना है, तो इस नोड के जीरो इंडेक्स पर जो पॉइंटर जो मिल रहा है जहां ले जा रहा है हम वहां चले जाते हैं, तो इस नोड को फॉलो करेंगे। एंड देन इसके बाद टी जो है इस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग 19 नंबर को फॉलो करते हुए आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अब अगर आप सी ए टी कैट के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे नोड पे पहुंचे जिसके फाइनल फील्ड में वन है, तो इसका मतलब आपको वैलिड नोड मिल गया। इसका मतलब ये जो वर्ड है वो वैलिड वर्ड है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इजी प्रोसेस एंड इसको हम लोग कोड करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग कोड करने जा रहे हैं, और हम लोग जो कोड करेंगे वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोड करेंगे। सो इसके लिए मुझे आईओ स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं मैलॉक फंक्शन का यूज करूंगा नोट्स को क्रिएट करने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं stdio.h का यूज कर रहा हूँ, सॉरी stdlib.h का, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। फिर इसके बाद और जिस जिस चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी उसमें इंक्लूड करते रहेंगे फिलहाल के लिए यूजिंग स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हम सबसे पहले हम लोग इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं नोट्स का। नोट्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा हम लोगों ने अभी भी देखा है। इसमें टोटल 26 पॉइंटर्स होंगे, तो स्ट्रक्ट नोड ये सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर होगा। स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट मान लेते हैं कि जो नेक्स्ट फील्ड है वो एक एरे ऑफ पॉइंटर्स है, 26 इसमें डिफरेंट पॉइंटर्स होंगे। इसके अलावा इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास एक एफ फील्ड है, और एफ फील्ड डिनोट करता है फाइनल, ये या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो वी हैव डिक्लेयर दी नोड स्ट्रक्चर। नोड स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद हम एक मेक नोड नाम का फंक्शन बनाते हैं जो कि एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। तो आपको पता है कि नोड के लिए मेमोरी एलोकेट अगर आपको करना है तो आपको मैलॉक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। लेट से एक पॉइंटर है पी, और हमने मैलॉक फंक्शन से मेमोरी एलोकेट किया है, और कितनी मेमोरी हमें क्रिएट करनी है, हमें नोड के जितना नोड हमारा मेमोरी लेगा उतनी मेमोरी हमें क्रिएट करनी है। और जो ये पॉइंट जो ये मेमोरी एलोकेट होगी वहां पे किसी भी टाइप का पॉइंटर पॉइंट कर सकता है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे इंश्योर करना है कि केवल नोड टाइप का ही पॉइंटर पॉइंट करे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा पी इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार। स्ट्रक्ट नोड स्टार से टाइप कास्टिंग करना है। नोड हमने क्रिएट कर लिया, आप क्या करेंगे कि इस नोड में हर एक फील्ड में नल सेट कर देंगे, मतलब कि हर एक पॉइंटर फील्ड में नल सेट कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल 25, आई प्लस प्लस, और ये जो नोड क्रिएट हुआ है इसके नेक्स्ट आई फील्ड में हम सेट कर देंगे नल। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद हम ये काम करते हैं कि जो नोड हमारा क्रिएट हुआ है उसके फाइनल फील्ड में 0 सेट कर देते हैं, मान लेते हैं कि नॉन फाइनल स्टेट को डिनोट करते हैं, और ये जो नोड हमने क्रिएट किया है इसको रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि तो ये नोड का पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, इसलिए इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो स्ट्रक्ट नोड स्टार होगा। तो ये हम सबसे पहले इंसर्ट वर्ड फंक्शन को लिखते हैं, और इंसर्ट वर्ड फंक्शन में हमें एक रूट नोड होगा और एक स्ट्रिंग होगा जिसके करस्पॉन्डिंग में एंट्री करानी है या इनपुट करानी है। तो इंसर्ट वर्ड को इसमें इंक्लूड कराने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो पॉइंटर्स ले लेते हैं, एक स्ट्रक्ट नोड स्टार पी और एक स्टार क्यू। ओके तो इंसर्ट वर्ड के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम पहले ट्रैवर्स करते रहेंगे और साथ ही साथ इंसर्शन भी करते रहेंगे। जितने भी लेटर्स हैं या जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे स्ट्रिंग एक्स में, सो फॉर ऑटो स्ट्रिंग आई इन एक्स, हर एक लेटर के लिए हम नया नोड बनाएंगे और उसको इंसर्ट करते रहेंगे। तो कैसे इंसर्शन हमारा होगा, लेट से हमने आई कैरेक्टर ले लिया है और जो पी मेरा है उसको रूट नोड मान लेते हैं। सो लेट्स से पी इज इक्वल्स टू, तो
आई के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे रूट नोड से नेक्स्ट नोड पे। सो आई से जब हम नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे तो एक वहां पे एक नया नोड क्रिएट कर लेंगे। सो नया नोड कैसे क्रिएट होगा, मेक नोड को कॉल करते हुए लेट्स से हमने क्यू इज इक्वल्स टू मेक नोड कर लिया। अब इस क्यू को हम सेट करेंगे कहाँ पे, रूट के नेक्स्ट फील्ड में सेट करेंगे। नेक्स्ट फील्ड में कैसे सेट होगा, आई माइनस इसकी मैपिंग हमें करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि अगर आप कैरेक्टर में से पास का वैल्यू वो अगर इसमें से माइनस कर दें तो आपको जीरो मिल जाएगा। अगर ये आई कैरेक्टर ए है, इसको ऐसे समझ लेते हैं दोबारा से, तो लेट्स से मेरे पास आस्काई वैल्यू ए है कैरेक्टर, उसमें से अगर हमने ए की आस्काई वैल्यू को माइनस किया तो हमें जीरो मिल जाएगा। अगर हमारे पास बी है और उसमें से ए की आस्काई वैल्यू को माइनस किया तो हमें वन मिल जाएगा। सी ए कैरेक्टर, उसमें से ए की आस्काई वैल्यू को माइनस करेंगे तो टू मिल जाएगा। इसका हम सही पॉइंटर को फॉलो करेंगे इस तरह से, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं जो स्क्रीन हमने यहाँ पे दिखाया है। तो जो नया नोड है उसको हम सेट कर देंगे इसके इस पॉइंटर पे। तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक नया नोड बन जाएगा, और जब ये नोड क्रिएट हो जाएगा तो मान लेंगे कि यही नोड पी है, तो जो नया नोड क्रिएट होगा उसी को हम पी मान लेते हैं। और लास्ट में हम सेट कर देंगे एफ को वन सेट कर देंगे, क्योंकि लास्ट में या जो लास्ट कैरेक्टर वो एक वैलिड वर्ड को सिग्निफाई करेगा। फाइन, तो हम इस तरह से इंजेक्शन कर लेते हैं। अब इसमें एक छोटा सा एक और एडिशन है, वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऑलरेडी ट्री क्रिएटेड है, और ये जो ट्री क्रिएटेड है वो बी ए या बी ई डबल एल के लिए आपकी ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो बी के साथ हमने नया नोड बनाया, एक ई के लिए एक नया नोड अगेन बनाया, और फिर एल के लिए हमने एक नया नोड अलग बनाया, और अगेन एल के लिए एक नया नोड बनाया, और इस वाले नोड के फाइनल फील्ड में वन सेट कर देंगे। सो बी देन ई देन एल एंड देन अगेन एल, तो इस तरह से हमने नोड्स बनाए। ओके, अब इसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एक नया वर्ड है बी एल टी है, तो हमें ये भी क्रिएट करना है। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे रूट नोड से तो ऑलरेडी बी के लिए नोड क्रिएटेड है, उसको दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ई के लिए ऑलरेडी नोड क्रिएटेड है, तो उसको दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एल के लिए ऑलरेडी नोड क्रिएटेड है, इसके लिए दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो नोड हमें क्रिएट करने की जरूरत है वो एल के बाद टी के लिए क्रिएट करने की जरूरत है। तो अगर टी के लिए हमें क्रिएट करने की जरूरत है तो हमें इस टी के लिए क्रिएट करेंगे फाइन, और इस टी वाले के फाइनल फेज में दोबारा लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर उसी पॉइंटर को हम फॉलो कर रहे हैं और वो पॉइंटर नल नहीं है, मतलब ऑलरेडी नोड क्रिएटेड है, तो हम उसी को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। नया नोड तभी क्रिएट करेंगे जबकि हमें नल मिल रहा है उस पॉइंटर फील्ड की तरफ। इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो नया नोड आप तभी क्रिएट करें जबकि जिस नोड को आप फॉलो कर रहे हैं वो नल में है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिख दिया कि अगर दिस पॉइंटर जिसको आप फॉलो करने जा रहे हैं वो नल है तो आप नया नोड क्रिएट कीजिए और उसके अलावा ये वाली सारी एक्टिविटी कीजिए तो कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो नोड नल नहीं है, मतलब कि अब जिस पॉइंटर फील्ड को फॉलो करने जा रहे हैं वो नल नहीं है, तो आप सिंपली किसी पॉइंटर फील्ड को पॉइंट फॉलो कर लीजिए और वहां पहुंच जाइए, तो भी हमारा इस पॉइंटर पे पहुंच जाएगा, इस नोड पे पहुंच जाएगा। सबसे एंड में मुझे क्या करना है कि ये जो कि वैलिड वर्ड होगा तो ई डॉट एफ इक्वल्स टू वन सेट कर देंगे। राइट, अब इंसर्ट वर्ड करने के बाद हम करने जा रहे हैं सर्च वर्ड। सो सर्च वर्ड में भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें हमारे पास एक नोड पास होगा जो कि रूट नोड होगा, और इसी के साथ साथ एक स्ट्रिंग मुझे गिवन होगा, जब से वो एक्स स्ट्रिंग है इसको मुझे सर्च करना है। तो सर्च के कॉरस्पॉन्डिंग या तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा या मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। तो जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे हम कर लेते हैं, इन्होंने एक नोड मान लेते हैं और उस नोड के सहारे हम ट्रैवर्स करेंगे। सो लेट्स से पी इज इक्वल टू रूट, और ये ट्रैवर्सल के लिए यूज किया जाएगा, ये करेंटली ये रूट पे है। फिर हम कह लेते हैं कि हर एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हम पॉइंटर्स को फॉलो करते रहेंगे। फॉर ऑटो आई इन एक्स, आई हमारा एक कैरेक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि जो जो करेंट नोड है उसके नेक्स्ट आई में
नल तो नहीं है। अगर ये नॉट नल है तो हम क्या करेंगे कि आगे मूव कर जाएंगे, P इज इक्वल्स टू P डॉट नेक्स्ट आई। और मान लीजिए कि हमें ऐसा कोई पॉइंटर मिल गया जो कि नल ही है, तो हम एक वैलिड करेक्टर के लिए ट्री में देख रहे हैं और वो मुझे नल दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि वो वर्ड डिक्शनरी में इंसर्टेड ही नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। ओके, अच्छा मान लीजिए कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे वो नल मिला, तो हम लूप से बाहर आते हैं और ये चेक करते हैं कि जिस नोड पे हम पहुंचे हैं, मतलब ये जो पी नोड पे जहाँ पहुंचे, अगर उसके फाइनल फील्ड में वन है तो ये मुझे ये इंडिकेट करता है कि मुझे वर्ड मिल गया, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वैलिड वर्ड नहीं है। हो सकता है कि जो हमें वर्ड गिवन है वो फाइनल स्टेटमेंट में नहीं पहुंचा था। फाइन, तो ये जो सर्च वर्ड फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप लूल होगा। लूल इसलिए होगा क्योंकि हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। एक छोटा सा और करेक्शन है इस इंसर्ट वर्ड में, क्योंकि हमने सिंगल पॉइंटर से रूट को पास किया, तो लास्ट में आप इस रूट को रिटर्न भी कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सो दिस इज स्ट्रक्ट नोड स्टार, इसका रिटर्न टाइप हो गया। मेन बनाते हैं, और मेन में हम ये इंश्योर करेंगे कि कई सारे वर्ड्स हम यूजर से इनपुट करा लें, और जो भी यूजर से वर्ड इनपुट कराएं उन सभी वर्ड्स को इंसर्ट पहले कराएं एंड देन उसको सर्च कर लें। सो लेट्स से इंटीजर मेन, और इसमें हम यूजर से पूछ लेते हैं कि उसके उसके पास कितने वर्ड्स हैं जो उसको इंसर्ट करेंगे। और हम एक रूट नोड भी क्रिएट करेंगे। सबसे तो पहले हम रूट नोड ही क्रिएट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, एंड रूट इज इक्वल्स टू, मैं एक नोड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और ये नोड क्रिएट कर देगा। यूजर से ये पूछ लेते हैं एक मैसेज लेके कि उसके पास कितने वर्ड्स हैं जो कि उसको इंसर्ट कराने हैं। सो इंटर द नंबर ऑफ वर्ड्स टू इंसर्ट, इनपुट करा लेते हैं। लेट्स से उसको एन में, और आई इज इक्वल टू 0, वन, आई लेस देन और इक्वल टू एन, एन आई प्लस प्लस। इन दोस्त हम कहते हैं कि एंटर द वर्ड, कौन सा वर्ड हम इनपुट करा रहे हैं पहले, लेट्स से आई नंबर को। सो वन नंबर का वर्ड इनपुट करा रहे हैं और इसको ले लेते हैं किसी ऐसे स्ट्रिंग में, यहाँ स्ट्रिंग एस डिक्लेयर कर लेते हैं। ये जो भी स्ट्रिंग हमें मिली है इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट वर्ड नाम का जो हमारे पास फंक्शन है उसमें रूट और इस स्ट्रिंग दोनों को पास कर देते हैं, जिससे कि ये जो वर्ड है वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ओके, जब वर्ड का इंसर्शन हो जाएगा तो जितने भी वर्ड्स हमारे इनपुट होते हैं उनका इंसर्शन हो गया। अब हम पूछ लेते हैं यूजर से कि उसको सर्च क्या करना है। तो लेट्स से यूजर्स एंटर द वर्ड टू सर्च, एंटर द वर्ड टू सर्च, जो वर्ड सर्च होगा लेट्स से हम उसको स्ट्रिंग एस पे ले लेते हैं और सर्च वर्ड नाम के फंक्शन में इसको पास कर देते हैं। सो सर्च वर्ड में मैंने रूट पास कर दिया और इसको पास कर दिया। जो सर्च वर्ड है वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स से ये हम आंसर में एक्सेप्ट करा लेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू सर्च वर्ड, एंड यहीं पे प्रिंट करा देते हैं अकॉर्डिंग टू द आंसर। इफ आंसर इज इक्वल्स टू ट्रू इट मीन्स द वर्ड हैज बीन फाउंड, वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी, अदरवाइज यू आर प्रिंटिंग अ मैसेज सॉरी द वर्ड वॉज ओके लास्ट टाइम रिटर्न 0। सो हम लोगों ने कोडिंग कर ली है, एक बार जरा रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने कोड बनाया, ताकि कोई हमसे मिस्टेक ना हो। हालांकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स नहीं बल्कि कहेंगे हम इसमें कंडीशंस इंक्लूड कराना है हमें, वो हम बाद में करा लेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया है, 26 इसमें पॉइंटर्स होंगे और एक इंटीजर एफ फील्ड होगा जो कि फाइनल स्टेट को बताएगा। एक हमें स्ट्रिंग को भी इंक्लूड कराना होगा यहाँ पे, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज करते हैं।
इसके बाद मेक नोट फंक्शन जो कि एक नोट को क्रिएट करेगा, नोट के सभी पॉइंटर्स को नल सेट कर देगा, और एफ फील्ड को या फाइनल फील्ड को जीरो सेट कर देगा, इस नोट को हमने रिटर्न कराएंगे। ओके, सो थोड़ा थोड़ा और भी इसमें हम कुछ करेक्शंस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंसर्ट वर्ड है, जब भी वो कोई वर्ड इंसर्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो रूट को रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम रूट में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सो रूट इज इक्वल टू इंसर्ट वर्ड रूट कॉमा एस, और इस तरह से हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। भाई इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दिस इज आस्किंग अस टू इंसर्ट द वर्ड्स। सो लेट्स से मेरे पास चार वर्ड्स हैं, एप्पल, बनाना, कैट एंड डॉग। जो वर्ड हमें सर्च करना है, लेट्स से कैट सर्च करना है, तो कैट डिक्शनरी में मिल गया है। फिर से इसको रन करते हैं। जैसे मुझे पांच वर्ड इसमें डालने हैं, एप्पल, अपलॉड, बॉल, कैट एंड डॉग। लेट्स से मैं इस एक वर्ड को सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से वो वर्ड हमारे डिक्शनरी में नहीं है, तो आप देख सकते हैं सी ए इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी। सो दिस वे वी कैन इम्प्लीमेंट दिस ट्राई। आई होप आपको समझ में आया होगा।